मीठी बहन जल्दी से फर्स्ट एड बॉक्स लाइए। जी अभी लाइए। मॉम हमें कुछ भी नहीं हुआ, वैसे भी ये वक्त मीरा दी को ढूंढने का है। मैं भी वही चाहती हूँ बेटा कि मीरा घर जल्द से जल्द वापस आ जाए, लेकिन पहले मुझे ड्रेसिंग कर लेने दो, फिर तुम चले जाना, मैं नहीं रोकूंगी। इतने बड़े शहर में उस चीप को ढूंढना इम्पॉसिबल है। मुझे लगता है हमें पुलिस को इन्फॉर्म कर देना चाहिए। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं भाई, मैं ही फोन कर देता हूँ। फोन पे मीरा वीडियो कॉल कर रही है। भाई मुझे लगता है वो किडनैपर साहब से वीडियो कॉल पे बात करना चाहते, प्लीज फोन उठाइए। मीरा बेटा तुम कहाँ हो, तुम ठीक तो हो ना? डैड, प्लीज मुझे बचा लीजिए डैड, ये लोग मुझे मार डालेंगे ना। मीरा तुम कहाँ? मैं अभी आता हूँ तुम्हें लेने। हाँ मीरा, मीरा, मीरा मैं मम्मा बोल रही हूँ, जल्दी बोलो बेटा तुम कहाँ हो? हम सब अभी के अभी आएंगे। मीरा दादी प्लीज बचा लीजिए डैड, मम्मा। मीरा डरो मत, तुम्हें कुछ नहीं होगा, हम सब है ना। मीरा रोना बंद करो और बताओ मुझे कहाँ तुम, मैं भी आता हूँ। आज की ताजा खबर, मोदी परिवार ने अपनी बच्ची को बचाने की बहुत अच्छी कोशिश की, अफसोस की बात यह है कि बचा नहीं पा। और वो दोनों बाइक वाले हीरो जो अपने आप को स्मार्ट समझते थे, एकदम स्टंटमैन। लेकिन अगली बार आप में से किसी ने भी अगर ऐसे हीरोगिरी करने की कोशिश की, तो आप अपनी लाडली बेटी को हमेशा हमेशा के लिए खो दोगे। बंद करो अपनी बकवास। आप पर क्या बीत रही है ये मैं अच्छी तरह समझ सकता हूँ। आपकी बेटी का अपहरण हुआ है और वो भी आपके आंखों के सामने। आप कुछ नहीं कर पाए। बाप बिचारा लाचार, भाई बाइक पे सवार, रोती आंखें पिलकती माँ। बेहाल परिवार। हमेशा पुलिस की मदद लेते हैं, आपने भी यही सोचा होगा। ऐसी गलती से भी मत करना, क्योंकि अगर आपसे गलती हुई तो हमसे भी, कि बेटे के साथ गलत हो जाए। चुप, एकदम चुप। अगर मेरे मीरा को छूने की भी कोशिश की ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं मार दूंगी तुझे, समझा दो, मार दूंगी तुझे। मीरा, लो मैंने आपकी बात सुन ली, अब मैं आपकी बेटी के साथ क्या कर सकता हूँ ये आप अच्छी तरह समझ सकते हैं। देखो मेरी बेटी को कुछ नहीं होना चाहिए, तुम जो चाहते तुम्हें वो मिलेगा। मैं तुझे चांस से मार दूंगा यू ब्लडी। गाली नहीं मिस्टर, गाली नहीं प्लीज। पर आप इतने उतावले मत हुई, ये बर्फ वाला पानी तो सिर्फ एक ट्रेलर था। इसके आगे जब हम खतरनाक चीज इसके मुंह पे डालेंगे तब आप मुझे जान से मार दीजिएगा। देखिए प्लीज, प्लीज मेरी बेटी को कुछ मत कीजिए प्लीज। देखो तुम मुझे बताओ कि तुम कौन हो और तुम क्या चाहते हो। तुम जैसा चाहोगे वैसे ही होगा। हमें क्या चाहिए, उसके लिए आपको हमारा दोबारा फोन का वेट करना पड़ेगा। तब तक के लिए दी होल मोदी परिवार है, बाय गुड बाय। मीरा,
मेरी मीरा दादी जी, मैं नहीं जानती। देवर जी प्लीज प्लीज कहीं से भी मुझे मेरी मीरा चाहिए, उसे बचा लीजिए प्लीज। मेरी बेटी बहुत ही नाजुक है, आप लोगों ने देखा ना कुछ ही घंटों में उसकी क्या हालत हो गई है। एम जी प्लीज कुछ कीजिए, यहाँ पे मत खड़े रहिए, जाइए, मुझे मेरी मीरा चाहिए। गोपी बहू इतनी जल्दी निराश मत हो, मीरा की जान को कुछ नहीं होगा। अहम दिख रहा तुम फिर से मीरा को फोन लगा। उन्होंने मीरा का फोन बंद कर दिया, अब हमारे पास सिर्फ एक ही रास्ता बचा कि हम पुलिस को बता दें। नहीं नहीं एम जी, ऐसा ऐसा बिल्कुल मत कीजिए। आपने सुना नहीं उन्होंने क्या कहा, क्या आप पुलिस को इन्फॉर्म नहीं कर सकते? मैं मीरा की जिंदगी खतरे में नहीं डाल सकती। हाँ एम दिख रहा, हमें बहुत सोच समझ कर कदम उठाना होगा। हमारा एक गलत कदम मीरा की जान भी ले सकता है। तो क्या करूँ मॉम, आप ही बताइए। हाथ पर हाथ धर के बैठा रहूँ यहाँ पे, वो मेरी बेटी के साथ कुछ भी करेगी। और मैं पापा प्लीज शांति से सोचिए, माँ और दादी बिल्कुल ठीक कह रही है, हम पुलिस को इन्फॉर्म नहीं कर सकते हैं, पर एटलीस्ट हम अपने तरीके से तो बी को ढूंढने की कोशिश कर सकते हैं ना। अहम, कुछ वर्ष पहले हमारे मोदी भवन के मुख्य द्वार पर सीसीटीवी कैमरास लगवाए थे, क्या वो अब भी है? हाँ कोकिला, वो कैमरा अभी भी लगा हुआ है। तो इसका यही अर्थ हुआ कि उस सीसीटीवी कैमरा की रिकॉर्डिंग देखकर हमें पता चल सकता है कि मीरा का अपहरण किन व्यक्तियों ने किया है। मैं भी पेनड्राइव में कैमरा की रिकॉर्डिंग लेके आता हूँ। नहीं तुम बैठो, मैं लेके आती हूँ। गोपी दिखा हिम्मत रखो, देखो विद्या वो फुटेज लेने गई है ना, मुझे पूरा यकीन है हमें मीरा के बारे में कोई ना कोई सुराग उसमें से जरूर मिल जाएगा। काश काकी जी आप जो कह रही है वही हो। कान्हा जी प्लीज प्लीज हमारी मदद कीजिए, मुझे मेरी मीरा लौटा दीजिए, मेरी गलती की सजा मेरी बच्चे को मार दीजिए। तुम ही हमेशा कहती हो ना जैसा हम सोचते हैं ठीक वैसा ही होता है। आप सही कह रही है माँ जी, हमारी मीरा को कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं होगा हमारे मीरा को, वो मिल जाएगी। स्टॉप, इसको जरा ज़ूम कर। इन सब ने तो मंकी कैप पहनी, पता कैसे लगा? पापा वो गाड़ी की नंबर प्लेट पर एक बार ज़ूम करते हैं, अगर गाड़ी का नंबर मिल गया तो उससे हम उसके ओनर का पता लगा सकते हैं। यहाँ पर तो नंबर प्लेट का भी पता नहीं चल, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा भाई, भाई कोई मीरा को किडनैप क्यों करेगा? वो तो राजकोट में रही भी नहीं और ना ही उसे यहाँ कोई जानता है। कहीं मीरा के साथ किसी की दुश्मनी तो नहीं है ना? और वही बदला लेने के लिए अभी गोपी ऐसा कुछ नहीं है, जहां तक मुझे पता है मीरा की किसी के साथ कोई दुश्मनी नहीं है। मैं एक बार फिर से रिवाइंड करती हूँ पापा, शायद कोई क्लू मिल जाए। जहां तक मुझे लगता है किडनैपर जरूर काफी टाइम पहले से ही हमारे घर पर नजर रख के बैठे होंगे, और अगर वो हमारे घर के आसपास से किसी एरिया में होंगे तो इस वीडियो में जरूर दिखेंगे। हमें ये रिकॉर्डिंग शुरू से देखनी होगी। जी
इसको जरा जूम करो। संस्कार? ये वही लड़का है, उस दिन वो मीरा के साथ वहां पर डिस्क में था। मुझे पता था इतनी गिरी हुई हरकत संस्कार के अलावा और कोई कर ही नहीं सकता। विद्या, तुम्हें पता था? एक्चुअली जब से दी किडनैप हुई है तब से मुझे शक था कि हो ना हो पर इस सब के पीछे संस्कार का ही हाथ है। पर कैसे? पापा, वो मैं कुछ दिन पहले संस्कार को राजकोट में मिली थी। विद्या, कहाँ मिला था वो? पापा, आपको याद है जब माँ हॉस्पिटल में एडमिट थी तब आपने मुझे और मीरा दी को हॉस्पिटल के मेन गेट के पास देखा था। तब एक्चुअली संस्कार वहां आया था मीरा दी को मिलने, पर आपको देखते ही वो छुप गया। मैंने आपके आने से पहले उसे बहुत डांटा था और उसे स्ट्रिक्टली मना किया था दी को मिलने से। तो फिर इतनी बड़ी बात मुझे क्यों नहीं बताई? क्यों छुपाए मुझसे? सॉरी पापा, वो एक्चुअली आप माँ की तबीयत को लेकर पहले से ही बहुत परेशान थे। मैं आपको ये बात बताकर और डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी पापा। मैं तुम लोगों को पहले भी कह चुका हूँ कि मेरी चिंता मत क्या करो। तुम दोनों मेरे लिए ज्यादा इम्पोर्टेंट हो। I'm sorry पापा। विद्या, सॉरी कहने से क्या फायदा? अगर ये बात तुमने मुझे पहले बताई होती ना तो आज इतनी बड़ी नौबत नहीं आती। एंजी, जो हो गया सो हो गया। हमें इस वक्त ये सोचना चाहिए कि हम मीरा को कहाँ ढूंढे और कैसे कैसे मीरा को हम घर वापस ले आए। साथ निभाना साथिया। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।